मॉर्निंग 10th क्लास द सेम चैप्टर चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर डूइंग हियर एंड वी आर डीलिंग विद सेकेंड टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हियर इज सब टॉपिक 10.8 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. सो जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस लेंस? इट इज कॉन्वेक्स. इट इज लाइक आई शेप, इट इज कॉन्वेक्स. सो अबाउट कॉन्वेक्स एंड इमेज फॉर्मेशन, टोटल इन दिस सेक्शन वी हैव 6 इमेजेस, राइट? 6 तरीके के इमेजेस बनते हैं, तो नेचुरली 6 पोजीशंस भी होते हैं ऑब्जेक्ट के. अगर आपको मिरर समझ में आ गया होगा तो लेंसेज आपको बहुत ही आसान लगेंगे. सो जस्ट हियर वी हैव जस्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशंस आपको 6 पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं. एंड देन इमेजेस, इमेजेस में आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी है, 3 बातें. देन पोजीशन आपको पता होगा 6 ऑब्जेक्ट के पोजीशंस, उसी के रेस्पेक्टिव में 6 इमेज के पोजीशंस होते हैं. एंड देन अबाउट नेचर, नेचर रियल इन्वर्टेड, रियल आपके पास अगर ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मिरर से जस्ट अपोजिट, अगर राइट साइड में बनता है तो आप उसे रियल कहते हैं और इधर लेफ्ट साइड में बनता है तो उसे आप वर्चुअल कहते हैं. रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा. रियल के जितने भी डायग्राम्स बनेंगे वो सारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा और वर्चुअल के इरेक्ट, वो आपका ऊपर की तरफ बनता है, मीन्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस. एंड अबाउट रियल वर्चुअल की डेफिनेशंस आपको वो क्लियर होंगे. रियल मीन्स वेयर यू कैन गेट इमेज ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल वेयर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट इज़ इमेजिनरी. देन अबाउट साइज, साइज आपके अगेन 5 तरीके के होते हैं, पॉइंट साइज, देन स्मॉल साइज, इक्वल साइज, इनलार्ज्ड एंड हाईली इनलार्ज्ड. तो हमारे पास पोजीशंस गिवन होंगे ऑब्जेक्ट के और उसके रिस्पेक्टिव में हमको ये 3 बातें बतानी. सो हियर पहले तो हम देख लेते हैं वो 6 पोजीशंस क्या होंगे. नंबर फर्स्ट इज इन्फिनिटी, या तो वो इन्फिनिटी पे हो सकता है, बियॉन्ड सी पे हो सकता है, फोकस पे हो सकता है. देन ये आपके पास, देन अबाउट F2 और F1 के बीच में हो सकता है, F1 पे होगा, और O और F1 के बीच में, मीन्स ये लेंस के बाहर, राइट, और फोकस से बीच में. अब यहाँ पे देखो आपके पास ये F2 और इधर 2F2, क्लियर? यहाँ पे जस्ट हियर मिस्टेक हमारे पास है, ये 2F1. सो F1 एंड इसका जस्ट डबल है. आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या है, सेंटर है. इन केस ऑफ मिरर अगर आप इस सर्कल को पूरा करेंगे तो ये आपका सेंटर होगा इस वाले स्फीयर का, और ये वाला सेंटर होगा इस वाले स्फीयर का. हमारे पास इसके अंदर 2 फोकस होते हैं, F1 एंड इस तरफ F2, 2 फोकस होंगे, प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर है, इसी का जस्ट डबल होता है, मतलब ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये होगा. ऑन द होल आप ये कह सकते हैं F1 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2F1 एंड O. इस तरफ भी ये मिड पॉइंट ही होता है इसका. तो डायग्राम बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों मिड पॉइंट होना चाहिए, आपके पास स्केल होना चाहिए, राइट? Then about we are taking this example, position of object at infinity. Infinity से आ रही है, तो infinity से जब आएगा तो फिर आपको object का position show नहीं करना, object आप नहीं दिखाओगे. और जितनी भी incident rays, देखो 1, 2, 3, 4, 5 incident rays are coming, right? तो ये पाँचों की पाँचों कैसे हैं, principal axis के parallel होगा. principal axis कौन सी लाइन है, 2F2, F2O, ये वाली F1, 2F1, ये हमारे पास principal axis है. सो ऑल दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो यहाँ पे डाइवर्ट हो गई, सीधी आनी चाहिए थी, नहीं आई सीधी, ये टेढ़ी हो गई, और कहाँ पे मीट हो रहा है, F2 पे, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं है तो सारी इंसिडेंट रेज, मतलब हम रूल नंबर 1 ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा. तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी हो गई, और पोजीशन इमेज के बारे में देखो कहाँ पे बन रही है, F2 पे. देन साइज़ देखो कैसा साइज़ होगा, पॉइंट साइज़, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़. और नेचर कैसा है, वो राइट साइड में बन रहा है, सो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. देन इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 2 में आप देखो यहाँ पे बियॉन्ड 2F1. अब बियॉन्ड 2F1 है तो आप, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो किया है AB.
ऐसे ही दोनों रेस निकल दी हैं, ये ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी। तो देखो पहला रूल अप्लाई हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन आपने कर दी। ये दूसरी वाली रेस देखो, यहाँ पे रूल नंबर थर्ड अप्लाई हो रहा है, ये इंसिडेंट रे ओ से पास हो रही है और सीधी स्ट्रेट लाइन गई है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, डेविएशन नहीं है। अब यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड बनाओगे आप तो कैसा बन जाएगा, टू एफ़ टू से पहले आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो बिटवीन एफ़ टू एंड टू एफ़ टू, एफ़ टू और टू एफ़ टू के बीच में बन रहा है, देन डिमिनिश्ड, इसका और इसका साइज़ देखो कंपेयर करो, लाइक दिस एंड हियर दिस, तो ये छोटा है इसे आप डिमिनिश्ड कहेंगे। एंड देन रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये आपका राइट साइड है, तो राइट साइड में कैसा हो गया रियल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, देन इट इज़ इन्वर्टेड। इसी तरीके से आप ये सारे पोजीशंस, इमेज नंबर थर्ड, इमेज नंबर फोर्थ एंड इमेज नंबर फिफ्थ, आपके पास स्लाइड ऑलरेडी है, आप इसे कंटिन्यू करोगे और बनाओगे, एंड इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी आप पूछेंगे। इमेज नंबर सिक्स हम आपको बताना चाहेंगे, हियर देखो F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब देखो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई किया गया है इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज़ पासिंग थ्रू F2। फिर दूसरा वाला O वाला ही है, रूल नंबर थर्ड अप्लाई हुआ है, इंसिडेंट स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये जो आपका राइट साइड है इस तरफ ये मीट नहीं होने वाला है, इसका मतलब आप इस तरफ ये डॉटेड लाइन से, इसी स्ट्रेट लाइन इंडिकेट किया गया है, स्ट्रेट देखो डॉटेड लाइन से, डॉटेड का मतलब होता है इमेजिनरी, दैट मीन्स वर्चुअल इट इज़ गिविंग, तो ये मीट कर रहा है, ये भी एक्सटेंडेड रिफ्रैक्टेड रे है दोनों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, राइट, इसको सेम साइड कहते हैं, इसको अदर साइड कहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड को सेम साइड एंड अदर साइड, एंड योर रिलेटिव साइड देखो साइज़ देखो, ये छोटा है कितना बड़ा है, सो इनलार्ज्ड, एंड देन वर्चुअल और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो इरेक्ट। तो ये आपका हो गया अबाउट इमेजेस फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। देन नेक्स्ट हमारे पास है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस वेरी इजी, इसमें दो ही तरीके के इमेजेस बनते हैं देखो, एक इन्फिनिटी पे और एक F1 पे। तो इन्फिनिटी वाली तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पैरेलल है और रिफ्रैक्ट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, F1। इन्फिनिटी का बनाते समय आप दो बातों का ध्यान रखते हैं, आप ऑब्जेक्ट शो नहीं करते हैं और जो भी आप इंसिडेंट रेस दिखाते हैं वो पैरेलल ही दिखाते हैं, रूल नंबर 1 ही आप अप्लाई करते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 2 रेज होनी ही चाहिए। अगर आप 2 रेज देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे, 2 रेज हमको चाहिए ही इमेज बनाने के लिए। देन द सेकेंड वन इज़ आप कहीं पे भी रख के देखो, आप कहोगे यहाँ पे कि मैम पोजीशंस तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो आप यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रख के देखो या यहाँ पे रख के देखो, आपको सारी कंडीशंस में आपको यही चीज़ें मिलेंगी इमेज फॉर्मेशन के बाद के बारे में यही इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सो हियर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इन फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ है, फोकस से पास हो रहा है, सेकंड थर्ड रूल अप्लाई हुआ है, देखो ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, ए बी पे, राइट, बिटवीन F1 एंड O, कैसा साइज़ देखो, इसका साइज़ कंपेयर करके, ये छोटा साइज़ का है, एंड इट इज़ वर्चुअल इरेक्ट, लेफ्ट साइड में है और ऊपर है, सो इट इज़ वर्चुअल इरेक्ट। देन नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास असाइनमेंट नंबर 4 है, आप इसे करेंगे, थैंक यू, आज ही करेंगे, थैंक यू।